हम यही अपील करेंगे कि समाज के अंदर ना पिताजी जैसे लोगों की, गुरुओं की बहुत जरूरत है, इन्हें जल्दी से जल्दी बस वापस भेजो। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ शालू इंसा जी हैं जो 20-25 सालों से आ रही हैं। इनके साथ सीधी बातचीत करते हैं, जानते हैं इनसे इनको कैसा महसूस होता है डेरा सच्चा सौदा संस्था के लिए। शालू जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। 20-25 सालों से आ रही हैं आप डेरा सच्चा सौदा संस्था में, कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है। कभी भी ऐसा लगा हो जैसा मीडिया में दिखाया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो आरोप लगाए जा रहे हैं हमने तो कभी नहीं देखा ऐसे। क्यों, मतलब जब तक आप देखे ना तब तक किसी के ऊपर इंजाम नहीं लगाने चाहिए। हमने ऐसा कुछ भी नहीं देखा, हम तो छोटे छोटे थे तब से आ रहे हैं यहाँ पे। आपकी लड़कियाँ भी आती हैं मैम? हाँ जी, हमारी गुड़िया आती है। सेफ्टी है मैम गर्ल्स? हाँ जी, हाँ जी मैम। फिर इस तरीके से जो दिखाया जा रहा था, क्या क्या कहना चाहोगे आप, समाज को क्या बताओगे? मैडम, इसका सिर्फ एक ही रीज़न हो सकता है, क्योंकि वो कहते हैं ना कलयुग का पारा बहुत ज़्यादा हाई है और इसमें बुराई की ज़्यादा जीत हो रही है और सच्चाई को दबाया जा रहा है, और कुछ नहीं है मैडम। सच को कहते हैं ना दबाने के लिए सारे एक तरफ होए पड़े और झूठ सारे एक तरफ हुआ पड़े। सच क्या है? संत जी ने ऐसा क्या किया है समाज के लिए, लोगों के लिए? सच है क्या संत जी का? सच ये है कि आप एक दूसरे का भला करो, एक दूसरे की मदद करो, नेक काम करो, और जो बुराई है मैडम वो इस चीज़ों को जीने नहीं देती। वो कहते हैं भाई अगर उनकी, अगर एक फिल्म में भी दिखाया था, मुझको याद नहीं है कौन सी फिल्म थी, उसने भी ये दिखाया था कि बुराई जो है वो अपने आप को ज़्यादा जिताने की कोशिश करती है, और सच्चे वो कहते हैं अगर अच्छे काम आएंगे तो बुरे कामों को दबना पड़ेगा, लेकिन वो बुरे काम वो कहते हैं कि हमारे काम चलते ही रहेंगे बस बुरे, और सच हमेशा दबा ही रहे, अच्छे काम जो है वो दबते ही जाएँ, ये बात है। 4 सालों से नहीं है मैम संत जी समाज में, क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज के ऊपर? बहुत बुरा प्रभाव है इस चीज़ का, क्योंकि पता क्या है मैडम, जो युवा पीढ़ी है इस टाइम उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब कोई सही गाइडेंस करे, उन्हें सही राह दिखाए, सभी उनको पता चले भगवान क्या है, सच्चाई क्या है, नेक कर्म क्या है, ये सब उनको एक ना वो कहते हैं ना एक टीचर की ज़रूरत होती है, गाइड की, गुरु रूप में एक रूहानी गुरु भी होना जरूरी है। क्लास में टीचर की ज़रूरत है, ऐसे हमें इधर भी एक ज़रूरत है, कोई हमें सिखाएगा। क्या अपील करोगे, क्या मांग करोगे आप सरकार? हम यही अपील करेंगे कि समाज के अंदर ना पिताजी जैसे लोगों की, गुरुओं की बहुत ज़रूरत है, इन्हें जल्दी से जल्दी बस वापस भेजो। अगर समाज का ये अपनी सरकार भला चाहती है तो, अगर वो चाहते ही यही हैं कि हाँ हमारा ही राज हो, हम जैसे हम बुराई करें जो करें हमारा ही चलता रहे, तो फिर भाई हम क्या कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरत है, हम तो कहते हैं जल्दी से जल्दी पिताजी को बाहर निकालो और ख़ुद भी अच्छे बनो और समाज को भी अच्छा रहना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार संत जी के बारे में लोग बता रहे हैं अपनी राय, आपकी अपनी राय जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में, देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत बहुत